बाजी बदायूं डबल मर्डर केस का आरोपी, जिसका पुलिस ने अब एनकाउंटर कर दिया है। साजिद के भाई जावेद की भी पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच साजिद की पत्नी ने इस मर्डर केस को लेकर हैरान कर देने वाले बड़े खुलासे किए हैं। ये बड़े खुलासे किए हैं साजिद को लेकर। दरअसल साजिद जब विनोद सिंह के घर पर गया, तब उसने विनोद सिंह की पत्नी से 5,000 रुपए मांगे थे। उसने बताया था कि उसकी पत्नी यानी कि सना गर्भवती है और उसे इलाज की जरूरत है। साजिद ने बताया था कि रात 11 बजे उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम है। साजिद की बातों में आकर पीड़ित माँ उसे रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी। इसी दौरान साजिद ने दोनों मासूमों का चाकू से गला रेत दिया था। आपको यह बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद साजिद फरार हो गया था, मगर पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस मामले में साजिद का भाई जावेद भी आरोपी है। फिलहाल जावेद पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है, लेकिन अब साजिद की पत्नी ने प्रेगनेंसी को लेकर जो खुलासे किए हैं, इसको लेकर अब जो खबर सामने आई है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी। साजिद की पत्नी ने कहा कि वो गर्भवती थी ही नहीं और ना ही वो अस्पताल में इन दिनों भर्ती हुई है। साजिद की पत्नी ने ये भी बताया कि उसे 5,000 रुपए की भी जरूरत नहीं है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बदायूं कांड के आरोपी साजिद की पत्नी सना ने कहा कि हम पिछले 15 दिनों से मायके में ही रह रहे हैं। मैं पिछले 15 दिनों से अपने मायके में ही रह रही हूँ। मेरी साजिद से आखिरी बार बात बीते बुधवार के दिन हुई थी। सना ने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है और मेरी माँ के फोन में पैसे नहीं है, इसलिए हमारी बात साजिद से उसके बाद। साजिद ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। हम सभी को मामले का पता तब चला जब सुबह हमने मोबाइल पर इसके बारे में देखा। आपको यहाँ बता दें कि इस दौरान सना ने ये भी कहा कि वो गर्भवती नहीं है और उसे इलाज की भी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल साजिद ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए पीड़ित माँ से 5,000 रुपए मांगे थे। इसके बाद उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। बदायूं कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस मामले को जानने के बाद सकते में है। दरअसल ये पूरा मामला बीते मंगलवार के दिन सामने आया था। यह विनोद सिंह के घर के सामने जावेद और साजिद नाम के दो भाई बाल काटने की उनकी दुकान थी। आरोप है कि साजिद और जावेद विनोद सिंह के घर गए और इस दौरान जावेद बाहर रहा। आरोप है कि साजिद ने घर में जाकर विनोद सिंह के दो छोटे बच्चों के गला रेत कर हत्या कर दी। इस दौरान साजिद ने तीसरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, मगर वो बच निकला। यहाँ आपको बता दें कि इस कांड के बाद पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया, तो वहीं जावेद फरार चल रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज स्टेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ नेशन।